बिहार सरकार में मंत्री और बेनीपट्टी से जीत कर आए विनोद नारायण झा इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सर, जानना चाहेंगे ये जो पूरा चुनाव था किन मुद्दों पर लड़ा गया और आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे थे जो लोगों को अट्रैक्ट किया और फिर से आपको चुना लोगों ने? देखिए, विकास ही मुद्दा था। हमारे सामने जो लोग थे उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन वाली कंसेप्ट है उसकी पूरी स्वीकृति थी और लोग हमारे साथ खड़े थे और 33,000 वोटों से लोगों ने जिताने का काम किया है और इसका श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा श्रेय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के काम और नीतीश कुमार जी की विकास यात्रा की है और इस कारण लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर वोट दिया। देखिए, जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो तेजस्वी यादव की बात की जा रही थी, महागठबंधन की बात की जा रही थी कि उनको एज है, वो आगे निकल रहे हैं, रैलियों में भी भीड़ बड़ी आ रही थी, तो उस दौरान क्या चल रहा था सर आपके मन में और क्या आपने स्ट्रैटेजी की जिससे आप जो है चुनाव जीत पाए? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था जैसे सीता माता को हरण करने के लिए रावण ने भेष बदल लिया, ऐसे ही भेष बदल लिया था तेजस्वी ने, अपनी माता पिता का फोटो हटा दिया था उसने, तो एक भ्रम पैदा करने की जरूर कोशिश की। लेकिन हम लोग भी सावधान थे, हमने कहा कि सिर्फ खाल पहनने से भेड़िया कभी शेर नहीं होता और जनता को समझाने में सफल हुए कि उन्हीं लोगों का बेटा है ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, बर्बाद करने का काम किया। मेरे क्षेत्र की जनता ने मेरी बात को तवज्जो दिया और मेरे नेता ने भी ये कहा। लेकिन 10 लाख नौकरी देने की जो बात की थी उससे देख रहे थे कि युवा वोटर जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिनकी जो लोग जवान हुए हैं हमारे 15 सालों के शासन में उनको भरमाने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा मुहर लगाया और स्पष्ट जनादेश दिया। आपके खिलाफ कांग्रेस की कैंडिडेट थी, लेकिन क्या आपको लगा कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने उनको इतना सपोर्ट किया कि वो वहाँ पे स्टैंड करें? और आपके तो लगे ही हुए थे, सब गठबंधन चाहता है कि मेरा गठबंधन जीते, लेकिन उनका जो क्रेडिबिलिटी था उस गठबंधन का जो कमजोर हुआ और इस कारण से मेरी बड़ी जीत हुई। आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री बीजेपी से या जेडीयू से, क्योंकि इस बार आप लोग बड़े भाई हुए? अरे, इसमें कोई कहने की बात है? हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने बार बार कहा है और इसमें सीट का कौन सा मैटर है, ये महागठबंधन ये हमारी एनडीए की गठबंधन है और ये वक्त की कसौटी पर खड़ा है। हमारा सक्षम और समर्थ नेतृत्व उसका निर्णय तो सैकड़ों बार हो चुका है, अब उसमें किंतु परंतु थोड़ा ही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। शुक्रिया सर इंडिया टीवी से बात करने के लिए। विनोद नारायण झा जो मौजूदा बिहार सरकार में मंत्री हैं और अभी बेनीपट्टी से जीत कर यहाँ पहुँचे हैं, भाजपा दफ्तर पहुँचे हैं, यहाँ के नेताओं से मिल रहे हैं। साफ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केंद्र में काम है और साथ ही नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है वही चुनावी मुद्दा था और जनता को ये समझाने में ये सफल रहे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो लालू प्रसाद के बेटे हैं और लालू प्रसाद के समय में जो शासनकाल था वो किस तरीके का था, ये जनता को समझाने में सफल रही। यही वजह है कि जनता ने इन्हें वापस चुनकर यहाँ भेज दिया है। कैमरा विजेंद्र भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पटना।